तो भाई ये है मार्केट में नए आए हुए लॉलीपॉप क्रैकर्स, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा नए नए क्रैकर्स आ रहे हैं और ये भी उन्हीं में से एक है और इनको घर पर बनाना बहुत ज्यादा आसान है। तो हाँ यार, आज इस दिवाली स्पेशल वीडियो नंबर 10 के अंदर मैं आपको यही लॉलीपॉप क्रैकर्स घर पर बनाना सिखाऊंगा, वो भी सिर्फ इस एक मैच बॉक्स का यूज करके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की। तो भाई सबसे पहले तो आपने एक मैच बॉक्स ले लेना है और उसकी जितनी भी मैचिक्स है उसका आपने बिल्कुल इसी तरह से रेड फॉस्फरस अच्छे तरीके से उतार लेना है जैसा कि मैं उतार रहा हूँ, और इसको किसी भी कागज के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से इकट्ठा कर लेना। अब आपने इसी फॉस्फोरस को इसी कागज के ऊपर किसी भी गोल चीज के साथ बिल्कुल बहुत ही बारीक सा पीस लेना जैसा कि मैं पीस रहा हूं, और ये काम आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से करना। अब आपने ये जो मैच बॉक्स की साइड पर स्ट्रिप होती है इसका भी रेड फॉस्फोरस किसी भी कटर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इकट्ठा कर लेना है जैसा कि मैं इसको उतार कर थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा कर। आपने कम से कम दो मैच बॉक्स की स्ट्रिप का रेड फॉस्फोरस अच्छे तरीके से इकट्ठा करना है। इसकी वजह क्या है ये मैं आपको आखिर में बताऊँ। अब आपने इन दोनों रेड फॉस्फोरस को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है जैसा कि मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, और इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद हमारा जो एक मिक्सचर है वो बनके तैयार हो चुका है। अब आपने इसी मिक्सचर के अंदर ये जो सी छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड करके इसको भी मिक्स कर लेना है, और इसको एक शेप दे देनी है लॉलीपॉप, क्योंकि हमारा बेसिकली जो सा क्रैकर है वो लॉलीपॉप वाला है, इसलिए आपने इसको उसी की शेप दे दे। तो तकरीबन हमारा जो सा लॉलीपॉप क्रैकर है वो अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। सिर्फ आपने एक छोटा सा पाइप बनाना है अपने पेपर का। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से एक छोटा सा पेपर लेके उसको गोल मटोल करके इसका एक बारीक सा पाइप बना ले, और इसके एंड पे आपने इसको ग्लू गन से बहुत ही अच्छे तरीके से चिपका दे, और आपका पाइप बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपने सिर्फ थोड़ा सा ग्लू इस लॉलीपॉप क्रैकर के ऊपर लगाकर आपने इस पाइप को भी इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से फिट कर देना है। इसके ऊपर आपने बहुत ही अच्छे तरीके टेपिंग कर देनी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो टेपिंग कर सकते हैं, अगर नहीं भी तो आपका क्रैकर वैसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। तो भाई हमारा जो क्रैकर है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बनके तैयार हो चुका है। तो चलो अब इसको टेस्ट करके देखते हैं, और देखते हैं कि क्या ये अच्छे तरीके से काम करता है या फिर नहीं। और यार आपने देखा कि इसने बिल्कुल भी अच्छे तरीके से काम नहीं किया, यही मैं आपको पहले भी बता रहा था। इसकी वजह यह है कि मैंने एक मैच बॉक्स के जो स्ट्रिप का रेड फॉस्फरस है वो इकट्ठा किया था, आपने दो का करना है ताकि रेड फॉस्फरस की परसेंटेज बिल्कुल मैनेज हो सके, क्योंकि आपने 60-40% के ही रेशो में इसको मिक्स करना होता है। 40% स्ट्रिप वाला रेड फॉस्फरस और 60% मैसिक्स का रेड फॉस्फरस आपने इकट्ठा करके उसके बाद इसको टेस्ट करना है, फिर ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। तो आपने दो मैच बॉक्स का यूज करना है। तो मैंने एक और बना लिया बिल्कुल 60-40 की रेशो में। तो चलो अब इसको टेस्ट करके देखते हैं, और देखते हैं कि क्या ये भी काम करता है या फिर नहीं। और भाई आपने देखा कि इसने तो बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से काम किया, और आप भी बिल्कुल इसी तरह के क्रैकर्स घर पर बना सकते हैं। और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे दिवाली स्पेशल वाली, आप जाकर वहां से भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो यस, ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, मिलते हैं।